मोमोज तो सबकी पसंदीदा डिश है और इसे खाना तो सभी लोग पसंद करते हैं। तो चलते हैं, क्यों ना इसको हम घर पे ही बनाना स्टार्ट करें। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे चिकन मोमोज। चिकन मोमोज बनाने के लिए दोस्तों, यहाँ पे हमें बस कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम चीज़ों में मैं आप लोगों को ये डिश बताने जा रही हूँ। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड, आप सबका कुक विद किचन में स्वागत है। और अगर आप लोगों को मेरी बताई हुई रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड, यहाँ पे हमने लिया है सोयाबीन। सोयाबीन को हमने भिगो दिया है, था गर्म पानी में हमने इसको भिगो कर और इसको देखिए ग्राइंड कर लिया है। और ये फ्रेंड, हमने 4 बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसको भी हमने फाइनली चॉप कर दिया है। और अदरक लिया है, लहसुन, और इसको भी हमने इसका पेस्ट बना लिया है। और ये है फ्रेंड हमारे पास 1/2 केजी चिकन कीमा। तो हम इन दोनों तीनों चारों जितने भी हमने मटेरियल इसमें डाले हैं, इन सब का हम मिक्स करके तो अब हम इसमें मोमोज बनाएंगे। आप फ्रेंड वेज मोमोज भी बना सकते हैं, आपके पास जितनी सब्जियां हो आप वो सब काटें और आप हल्का सा उसको रोस्ट करके बनाएं। तो फ्रेंड, इसमें मैंने हरी मिर्च का यूज नहीं किया है, ना ही लाल मिर्च का यूज किया है। यहाँ पे हम इसे बिना मिर्च के बनाने जा रहे हैं। तो हमने इसको मिक्स कर लेना है पहले। अब मिक्स करने के बाद हम तेल लेंगे और तेल को पूरा गरम कर लेना है। पूरा गरम गरम तेल हमें इसमें डाल देना है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने पूरा गरम तेल करके और इसमें हमने ला के डाल दिया है। यही एक सीक्रेट तरीका है। अगर इसमें हम तेल नहीं डालेंगे तो हमारे मोमोज अच्छे नहीं बनेंगे, जूसी तो बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो देखिए, हमने इसको डाल दिया है। अब हमें इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाए, तब हल्का गरम रहे तभी हमें इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे देखिए, अभी हल्का गरम है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको इस तरीके से हम मिक्स कर ले रहे हैं। अभी बहुत ही ज़्यादा है तो आप इसे चम्मच से करें, नहीं तो आप इसको हाथों से करें। तो यहाँ पे देखिए, मैं इसको हाथों से आप करेंगे तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, चम्मच से थोड़ा लेट मिक्स होगा। तो हमें इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स दोस्तों। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो अब हमने लिया है भगोना। भगोने में हम ले लेते हैं पानी। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, नहीं तो आप वेज मोमोज स्टीम आता है, आप उस स्टीम ले सकते हैं। हमने यहाँ पे छलनी वाली थाली ली है, थाली में हमने तेल लगा दिया है। और यहाँ पे फ्रेंड हमने लिया है, ये देखिए आटा हमने गूंद लिया है और हमने इसका डो जो है वो टाइट ही रखना है। तो इसमें फ्रेंड हमने मैदा लिया है और आरा रोट लिया है, दोनों को मिक्स करके हमने इसका आटा गूंदना है। तो यहाँ पे हमने आरा रोट 1/4 लेना है और हमने मैदा लेना है 3/4 भाग। तो हमें इस तरीके से इसकी छोटी सी रोटी की तरह, पूरी की तरह बना लेना है। और इस तरीके से हमें लेकर और दोनों तरफ से दबाते हुए और इसकी इस तरह से शेप दे देनी है। आप इसे किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। और मैं आप लोगों को एक और डिज़ाइन बताकर दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हमें बना लेना है, क्योंकि हमने काफ़ी सारे और मोमोज बनाए हैं तो थोड़ा सा हमारा चकला इस तरीके से चिपका हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमें 3-4 लेयर बनाकर और उसको एक साइड से हमें दबा देना है। ये देखिए, तो यहाँ पे एक और शेप बता रहे हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को 3 शेप बता रही हूँ, 3 डिज़ाइन। आपको जो भी डिज़ाइन आता हो,
अगर ना भी आता हो आपको तो गुजिया तो सबको ही बनानी आती है। तो उस तरीके से आप बनाएं और इसको स्टीम दे दें। डिजाइन से कोई फ़र्क नहीं होता टेस्ट में, आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, टेस्ट तो अच्छा ही आता है। तो यहाँ पे देखिए, ये एक डिजाइन मैंने ये बताया है। तो बस फ्रेंड, इसी तरीके से हमने जितने भी मोमोज हैं वो सब बना लेने। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 7-8 मोमोज बना के आपको दिखा दिए हैं। अब हमने यहाँ पे देखिए, उसी थाली में और भी हमने स्टीम रखने के लिए पहले रखा हुआ था, तो इस तरीके से हमें स्टीम दे देनी है और यहाँ पे इसको ऊपर ढक देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे मोमोज देखिए बनकर हो चुकी हैं रेडी। और इसे आप चटनी के साथ सर्व करें और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आप इसे एक बार खा लेंगे तो आप इसे बार बार खाना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं इसको लाल चटनी के साथ खाना पसंद करूँगी। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर देना प्रेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।